मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन खैर कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। तो आज टूर का डे टू है और हम जो हैं बर्न में हैं। बर्न से अभी एक पास है, यहाँ से बर्न से कोई तकरीबन 1.5 घंटा दूर 75 किलोमीटर लंबा पास है और वो काफ़ी हाइट पे 2500 मतलब 2500 मीटर की बुलंदी पे उसकी हाइट है और काफ़ी कर्वी सी रोड है और मतलब थोड़ी सी हलक में भी आई हुई है कि कभी ऐसी चलाई नहीं है बाइक मैंने वहाँ पर ऐसे ऐसे रूट्स पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज एटलीस्ट सामान कम है तो मुझे इतना मसला नहीं है कि मतलब पीछे उतना बड़ा लगेज नहीं है। तो मेरा तो कुछ टाइम जो है ऑटोबान पे ही है, तो अभी आपको ऑटोबान के नज़ारे करने का फ़ायदा नहीं है, बोरिंग था होता है, मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सीन वीन शुरू होते ना फिर आपको दिखाता हूँ। एक इंटरेस्टिंग सीन आया है ऑटोबान पर, वो सामने देख रहे हैं लेक और पहाड़, लगता है कि उन्हीं पहाड़ों में जाना है और देख के ना दिल धक धक होने लगा हुआ है। मतलब भाई डर तो थोड़ा सा लगता ही है ना। तो हाँ कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेके ना चलते हैं। और वो है ना, किसी ने कहा है कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत है आज। अब मिलते हैं वहाँ जहाँ से टूर स्टार्ट है। ये सीन इतना प्यारा है कि मेरा आपको ये भी दिखाने का दिल है। तो देखें भाई, चेक कर रहे सीन। और है, मैं वैसे स्विट्जरलैंड के अभी तक इस पार्ट में कभी नहीं आया था। मैंने सोचा था वहाँ जाके चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन यार ये सीन इतना प्यारा है कि मैंने सोचा कि ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ओए चेक करे यार, ब्यूटी चेक करे। पहाड़ों में आ गए हैं नाज़रीन। वो गांव जिसमें मैंने जाना था, जहाँ से चीज़ शुरू होनी है, वो अभी तक नहीं आया, लेकिन भाई पहाड़ शुरू हो गए हैं और व्यू जो है ना फिर आधा तो है ना आधा व्यू। अगर पता है ऐसी खूबसूरत जगहों पे ना समझ नहीं आती बंदा कहाँ रोके कहाँ तस्वीर बनाए, क्योंकि लगता है कि यार आगे शायद और खूबसूरत होगी, आगे शायद और खूबसूरत होगी। वो देखें वो आबशार बह रही है इस टनल के ऊपर से। वाह ऑसम। वहाँ से पास शुरू हो चुका है और मतलब बाइकर्स भी नज़र आ रहे हैं और अच्छी वाली जो गाड़ियाँ नहीं होती महंगी वाली मतलब स्पोर्ट्स कार वगैरह भी नज़र आ रही हैं। ओहो फिर माहौल तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी कहाँ तक, इसमें 2500 किलोमीटर तक 2500 मीटर की बुलंदी तक जाना है, कोई नहीं पता क्या सीन है। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन खैर कुछ नहीं होता। नेट पे जब मैं इस पास के बारे में पढ़ रहा था ना, तो उसमें था कि ये शुरू जो है ना ऐसे होता है क्या कहते हैं हरियाली से, और फिर ये पथरीली उस पर आ जाता है। करे टनल, ओह क्लासिक, खुद उन्होंने पहाड़ काट के बनाया हुआ है और यहाँ पे भी 70 की स्पीड है।
यार वो नीड फॉर स्पीड में इस तरह के आते थे ना टर्न यार, बड़े क्लास लगते थे। ओह सीधा जाऊंगा तो टनल आ जाएगा जो पहाड़ के नीचे से जाता है, और अगर राइट पे जाऊंगा तो वो पास आएगा जो ऊपर से जाता है। तो हम तो इधर पास लेने आए हैं, तो हम इधर राइट पे जाएंगे, हम इधर पास लेने आए हैं। तो यहाँ पे ये एक रिज़ॉर्ट है जो कि इसका नाम है सेंट बर्नार्ड, शायद इसको इस जगह को कहते हैं। नाइस, something for me. Then he kept walking on down the road. तो वे पीछे के ये सीन है। And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. Said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. तो सीन ये है कि मैं सोचिए साइड वापस जा रहा हूँ। वैसे ये रूट इटली तक जाता है, लेकिन ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है और सुना है कि बारिश शुरू होनी है, तो इससे बेहतर ये बारिश शुरू हो और फालतू में इन पहाड़ों में फंसूँ, इससे बेहतर है कि आप बंदा जो है ना निकले। तो फिर यहीं पर अलविदा कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज के सीन्स पसंद आए होंगे। अगर कोई सीन स्पेशली पसंद आया तो कॉमेंट करके बताएँ, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली दफ़ा किसी अगले वीलॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाए नहीं, सीन एंजॉय करें। Questions on your mind.
the end.